हेलो फ्रेंड्स, रिया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये घरेलू सिलाई मशीन है। इससे क्या, नॉर्मली स्ट्रेचेबल फैब्रिक पे सिलाई नहीं होती है, तो वो आप बहुत ही आसानी से सिलाई कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि इस मशीन से आप किस तरह से होजरी फैब्रिक पे भी सिलाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें जो नीडल लगी हुई है इसी से सिलाई करके बता देती हूँ कि इससे कैसे हो रही है। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें क्या चेंज करना। ये होजरी फैब्रिक है, ये देखिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल होजरी फैब्रिक है ये। इस तरह से इसमें कई तरह के होजरी फैब्रिक आते हैं। ये थोड़ा सा कम है, ये टी शर्ट का कपड़ा और ये लेगी का कपड़ा, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। इस पे ही मैं आपको सिलाई करके बता देती हूँ। पहले तो आपको कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, बिल्कुल भी सिलाई अच्छी नहीं आ रही है, स्किप्ड स्टिच हो रही है। ये देखिए, इस तरह से सिलाई आ रही है, छोड़ छोड़ करके सिलाई हो रही है। पहला चेंज करें, इसमें नीडल 9 नंबर की लगाएं। अगर 9 नंबर की नहीं है तो आप 11 नंबर भी लगा सकते हो। तो मैं 9 नंबर की नीडल लगा करके सिलाई करके बताती हूँ आपको। होजरी फैब्रिक है या जर्सी फैब्रिक है, जैसे बहुत सारे तरीके के फैब्रिक होते हैं स्ट्रेचेबल, जिन पे नॉर्मली इस मशीन से सिलाई नहीं होती, लेकिन इस मशीन से भी बहुत ही आसानी से आप कोई सा भी फैब्रिक हो सिलाई कर लेंगे। मैं आपको आगे और बताऊंगी। अगर इस नीडल से भी सिलाई नहीं होगी 9 नंबर की नीडल से, तो वो भी मैं आपको और कोई नीडल, दूसरी नीडल मैं आपको लगा कर बताऊंगी, ब्लू टिप नीडल। तो पहले हम ये 9 नंबर की नीडल लगा लेते हैं। ये 9 नंबर की नीडल है और ये जो इसमें फ्लैट पोर्शन जो होता है वो इधर अंदर की तरफ रखें। नॉर्मली क्या होता है, इस मशीन की और ऑटोमेटिक मशीन की नीडल एक ही होती है, इसमें लग जाती है। लगाते वक्त आप ध्यान रखें, एकदम इसको सीधी लगाएं, ऐसे थोड़ी सी भी तिरछी नहीं लगाएं। हमने 9 नंबर की नीडल लगा ली है इसमें। अब मैं आपको इस नीडल से सिलाई करके बता देती हूँ। ये देखिए, 9 नंबर की नीडल से हमारे बिल्कुल अच्छे से सिलाई आई है, एकदम परफेक्ट, कहीं पे भी स्किप्ड स्टिच नहीं हुई है। देखिए, बहुत ही अच्छी सिलाई हुई है। देखिए, हमने इसमें सिर्फ हमने नीडल चेंज करी है, हमने 9 नंबर की नीडल लगाई। और जैसे कि हमने पहले जिस नीडल से सिलाई करी, ये देखिए इस तरह से जगह जगह पे स्किप्ड स्टिच हो रही है। देखिए जगह जगह, ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये यहाँ पे। और आप अगर फिर भी आपके इस नीडल से भी स्किप्ड स्टिच होती है तो आप ब्लू टिप नीडल लगा सकते हैं। ब्लू टिप नीडल मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी होती है ब्लू टिप नीडल। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ ब्लू टिप नीडल। ये देखिए, ये ब्लू टिप नीडल है, इसकी टिप ब्लू है, ये देखिए, इसलिए इसको ब्लू टिप नीडल कहते हैं। और ये बहुत ही पतली होती है, शार्प होती है बहुत ज्यादा। तो अब मैं ये ब्लू टिप नीडल लगा करके आपको सिलाई करके भी बता देती हूँ कि इससे कैसे सिलाई होती है। और इस मशीन में भी आप इस ब्लू टिप नीडल को लगा सकते हो और ऑटोमेटिक मशीन में भी ब्लू टिप नीडल को लगा सकते हो। और इसको लगाने का तरीका भी हमने जो दूसरी नीडल लगाई है उसी तरीके से है, जो फ्लैट पोर्शन हो अंदर की तरफ रखना है इसके। अगर आपको इससे नीडल में धागा नहीं डाला जाता है तो आप नीडल थ्रेडर का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये पतली नीडल है इसलिए इसमें आई होल भी पतला होता है, तो इसमें आसानी से धागा नहीं डाला जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लू टिप नीडल से हमने स्टिच करी है और ये बहुत ही बढ़िया सिलाई आई है। देखिए, कहीं पर भी इसमें स्किप्ड स्टिच नहीं हुई। और इसका एक कारण और बताती हूँ मैं, अगर आप इस धागे को खोलेंगे तो ये कपड़ा नहीं कटेगा। अब मैं आपको इस टी शर्ट वाले फैब्रिक पे भी स्टिच करके बता देती हूँ ब्लू टिप नीडल से।
ये देखिए हमने दूसरा कपड़ा चेंज कर लिया होजरी में भी, और इसमें भी सिलाई देखिए बहुत ही अच्छी हो रही है। और ये हमने ब्लू टिप नीडल से की है सिलाई, और 9 नंबर की नीडल से भी बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन अगर आपके 9 नंबर की नीडल से भी नहीं हो रही है, तब आप ये ब्लू टिप नीडल लगा सकते हैं, इससे तो आपके अच्छी सिलाई होगी ही होगी। और फ्रेंड्स, इस ब्लू टिप नीडल का एक और बेनिफिट है कि जब आपका धागा इस तरह से आपका धागा खुल जाता है, तब ये कपड़ा यहाँ से कटेगा नहीं। इस तरह से आपकी 9 नंबर की नीडल और ब्लू टिप नीडल से होजरी फैब्रिक या कोई भी स्ट्रेचेबल फैब्रिक को स्टिच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।